हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये मेरा फिंगर अबेकस मल्टीप्लिकेशन क्लास 5 है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बिग फ्रेंड फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। फ्रेंड्स, आज की क्लास के बाद सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे और अब आप हर तरह का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन फिंगर्स में कर पाएंगे। मगर क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देखें तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अबेकस का कोर्स करके बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन माइंड में ही विद इन सेकेंड्स कर पाए, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोडिंग क्लासेस करके बचपन में ही गेम डेवलपर बने, तो हमारे इंस्टीट्यूट एवा एकेडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजिएगा। फोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपने लास्ट के सारे मल्टीप्लिकेशन के क्लास देखे हैं और आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी जो मेरा कंप्लीट फिंगर अबेकस सीरीज है वो भी आपने देखा और प्रैक्टिस किया है। तो आज हम बिग फ्रेंड फॉर्मूला करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जब हमें 5 से छोटे नंबर चाहिए 1, 2, 3, 4 और हमारे पास फिंगर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला की, ठीक है। और बिग फ्रेंड फॉर्मूला, जब हमें 5 से बड़े नंबर चाहिए होते हैं जैसे 6, 7, 8, 9 तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? बिग फ्रेंड फॉर्मूला की, ठीक है। तो अगर हमें +9 चाहिए होता है तो हम -1 + 10 करते हैं। -9 चाहिए होता है तो +1 - 10, +8 चाहिए होता है तो -2 + 10 करते हैं, -8 चाहिए होता है तो +2 - 10, +7 चाहिए होता है तो -3 + 10 करते हैं, और -7 चाहिए होता है तो +3 - 10, +6 चाहिए होता है तो -4 + 10 करते हैं, और -6 चाहिए होता है तो +4 - 10। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे ओके 9, 8, 7, 6 इनका तो हमें पता चल गया, पर 90, 80, 70, 60 का कैसे करेंगे, या 900, 800, 700, 600 का कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो सिंपली फॉर्मूला में एक एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, या तो फिर सेम उसी पोजीशन में आप सेम यही फॉर्मूला डालिए। मतलब अगर आप टेंथ प्लेस में हैं तो टेंथ प्लेस में फॉर्मूला डालिए ये सेम, ठीक है, या तो फिर आप इस पे जीरो ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपको जो दोनों में से मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको +90 चाहिए तो आपको -10 + 100 करना होगा, ओके। -90 चाहिए तो +10 - 100, +80 चाहिए तो -20 + 100, -80 चाहिए तो +20 - 100, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, डबल फॉर्मूला कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला पुट कर रहे होते हैं, बिग फ्रेंड फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, मगर स्टिल हमारे पास फिंगर अवेलेबल नहीं होते। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 50 यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और अब हमें करना है +80 करना है, ठीक है। अब मेरे पास 50 ओपन है, अब 50 है +80 करना है, तो +80 के लिए क्या फॉर्मूला लूंगी मैं? -20 + 100। तो 100 मैंने ओपन कर लिया, अब -20 तो नहीं कर पा रही हूँ ना, फिंगर्स तो नहीं है माइनस करने के लिए, तो अब मुझे -20 के लिए -2 का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। -2 का क्या फॉर्मूला होता है? +3 - 5। तो -20 का क्या फॉर्मूला है? +30 - 50। तो हमें +30 करना है, -50 करना है, अंडरस्टूड? तो इसी हम कहते हैं कॉम्बिनेशन क्वेश्चन या डबल फॉर्मूला, ठीक है। जब एक ही स्टेप करने के लिए हमें बिग फ्रेंड फॉर्मूला और स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला दोनों यूज करना पड़ता है तो हम उसे डबल फॉर्मूला कहते हैं। और आज ये भी हम बहुत यूज करने वाले फ्रेंड्स, लेकिन मैंने यहाँ स्क्रीन पे स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला नहीं ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, स्क्रीन छोटा था, है ना। तो आपको जो मैंने लास्ट क्लास में स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला कराया था उसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए अपने सामने ताकि आपको ईजी हो समझने में, ओके। फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट। 48 + 9 ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है, तो 100 से स्टार्ट होगा नंबर, ठीक है। 4 × 9, 4 9 = 36। आपको पता है हम लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं, है ना, तो 4 9 = हम पहले सॉल्व करेंगे, 4 9 = 36। तो 3 हम बनाएंगे 100 प्लेस में, 6 हम बनाएंगे 10 प्लेस में, ओके। अब हमें 8 9 = 72। अब हमें यहाँ 70 ऐड करना है, यहाँ 2 ऐड करना है, 2 हमने इजीली ऐड कर लिया, +70 नहीं कर सकते, तो +70 के लिए +7 का फॉर्मूला।
प्लस 70 इक्वल टू माइनस 30 प्लस 100। तो माइनस 30 करना है प्लस 100 करना है, प्लस 100 हम इजीली ऐड कर लेंगे। माइनस 30 हम कैसे ऐड करेंगे, माइनस 3 के फॉर्मूले से। माइनस 3 का क्या फॉर्मूला है, प्लस 2 माइनस 5। ओके, तो माइनस 30 का क्या होगा, प्लस 20 माइनस 50। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 100 200 300 400, 432 432 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 38 × 8, 3 8s are 24। तो 20 हम 100 प्लेस में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 हम 10s प्लेस में, 24। ठीक है, अब हमें करना है 8 8s are 64। अब हमें 60 10s प्लेस में करना है और 4 1s प्लेस में। 4 हम यहाँ इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना, 4 हमने इजीली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें 60 ऐड करना है, तो 60 के लिए फिंगर अवेलेबल नहीं है, तो प्लस 60 का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 40 प्लस 100। तो हम यहाँ माइनस 40 करेंगे, अब हमें यहाँ पे प्लस 100 करना है, तो हमने सिंपली इसे बेंड कर दिया, तो अब ये 100 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर कितना आएगा, 304, 3 0 1 2 3 4, 304 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 × 7, 3 डिजिट है, 100 से स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट, 5 7s are 35, 3 हम 100s में रिप्रेजेंट करेंगे, 5 हम 10s में रिप्रेजेंट करेंगे, 9 7s are 63, अब हम 60 यहाँ 10s में करेंगे, 3 हम 1s में करेंगे, 3 हमने इजीली कर लिया है ना ऐड। अब हमें क्या करना है, 60, तो प्लस 60 का क्या फॉर्मूला है, माइनस 40 प्लस 100। तो अब हमें प्लस 100 करना है, प्लस 100 हम यहाँ इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना, लेकिन माइनस 40 कैसे करेंगे, माइनस 40 के लिए माइनस 4 का फॉर्मूला, प्लस 1 माइनस 5, तो प्लस 10 माइनस 50। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 100 200 300 400 400 1 here and 3 here, ओके 413 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 × 9, ठीक है, 3 डिजिट है, 100 से स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट, 2 9s are 18, 1 हमने यहाँ इजीली रिप्रेजेंट कर लिया, 8 हमने इजीली रिप्रेजेंट कर लिया 10s प्लेस में, 9 9s are 81, अब हमें 8 करना है 10s में रिप्रेजेंट और 1 करना है 1s में रिप्रेजेंट, तो 1 हम इजीली 1s में रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन 10s प्लेस में 8 कैसे करेंगे, प्लस 80 है ना, प्लस हमें यहाँ 10s प्लेस में 80 करना है, तो प्लस 8 का फॉर्मूला, माइनस 20 प्लस 100, प्लस 80 इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 100, है ना, तो माइनस 20, अब हम प्लस 100 यहाँ इजीली कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 100 200 261। ओके, गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यस, 28 × 8, 2 कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो कहां से स्टार्ट होगा, 100 प्लेस से, 2 8s are 16, तो 1 हम 100 में रिप्रेजेंट करेंगे, 6 हम 10s में रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ 8 8s are 64, अब हम 60 हमें 10s में करना है, 4 हमें 1s में करना है, 4 हम इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना, 60 कैसे करेंगे, प्लस 6 का फॉर्मूला, माइनस 40 प्लस 100, तो प्लस 100 हमने कर लिया, अब माइनस 40 कैसे करेंगे, माइनस 4 के फॉर्मूले से, माइनस 4 का क्या फॉर्मूला है, प्लस 1 माइनस 5, तो माइनस 40 का क्या होगा, प्लस 10 माइनस 50। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 100 200 200 20 1 2 3 4 224 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, 38 × 9, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 100 से स्टार्ट होगा, है ना, 3 9s are 27, तो 20 हम 100s में रिप्रेजेंट करेंगे और 7 हम 10s में, नाउ 8 9s are 72, अब हमें 70 करना है 10s में रिप्रेजेंट और 2 करना है 1s में रिप्रेजेंट, 2 हम इजीली 1s में रिप्रेजेंट कर लेंगे, अब प्लस 70 कैसे करें, प्लस 70 के लिए प्लस 7 का फॉर्मूला, माइनस 3 प्लस 10, तो प्लस 70 का क्या होगा, माइनस 30 प्लस 100, तो प्लस 100 तो हम इजीली कर लेंगे रिप्रेजेंट, लेकिन माइनस 30 कैसे करें,
माइनस थर्टी का फॉर्मूला होता है माइनस थ्री का, माइनस थ्री इक्वल टू प्लस टू माइनस फाइव, तो माइनस थर्टी के लिए हम क्या करेंगे प्लस ट्वेंटी माइनस फिफ्टी। ओके तो आंसर कितना आएगा 100, 200, 300, 342 विल बी द आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं मैसेजेस करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड यस फ्रेंड्स ये जो भी मैंने लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सारी चीजें आपको मेंटली करनी है, आपको कोई पेपर पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फिंगर्स में कैलकुलेशन करना है, ये सारे जो टास्क है ये आपको माइंड में ही करने हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।